साउंड क्वालिटी काफी अच्छा है, मैं सुन रहा हूँ गाना और काफी साउंड काफी अच्छा दे रहा, तो आप हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप इसके लिए जा सकते हैं। दोस्तों कैसे आप सब, सो फाइनली मैं आ चुका हूँ आपके लिए न्यू वीडियो लेके। तो आज की वीडियो में आपको दिखाने जा रहा हूँ बोट रॉक्स 510 का अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू। जो आप देख सकते हैं मेरे हाथ में बोट रॉक्स 510, तो चलिए मैं इसका अनबॉक्स करके दिखाता हूँ इसमें क्या क्या मिलता है और इसका साउंड क्वालिटी कैसा है। सो अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो देख सकते हैं बोट रॉक्स 510। तो चलिए मैं बॉक्स को ओपन करता हूँ। तो बॉक्स ओपन करने के बाद क्या क्या मिलता है मैं आपको दिखा देता हूँ। तो सिंपली मैंने बॉक्स ओपन किया, उसके बाद मेन प्रोडक्ट आता है और इसके बाद कुछ अंदर देख सकते हैं, इसके बाद आपको कुछ पेपर मिलता है और एक चार्जिंग केबल है आप देख सकते हैं, जो USB केबल है, टाइप सी नहीं है। और इसके बाद कुछ अंदर वारंटी पेपर है, ये वारंटी पेपर है, तो ये सब। और ये 510 है आप देख सकते हैं, बॉक्स रिंगिंग रेड कलर है ये मेरे हाथ में। तो चलिए मैं मेन पॉइंट पे आता हूँ और प्रोडक्ट के बारे में बताता हूँ। सो ये आपका प्रोडक्ट आप देख सकते हैं, बिल्ड क्वालिटी अच्छा है और ये आपको देख सकते हैं। इधर फिज़िकल ओवरव्यू की बात करो तो ये प्रीवियस एंड नेक्स्ट करने का ऑप्शन आपको मिलता है और वॉल्यूम प्लस एंड माइनस का मिलता है। यहाँ पर LED है जो कि आपको कनेक्ट करने के बाद आपको जलेगा और यहाँ पर पावर बटन है और ये नीचे माइक है, सो इसे कॉलिंग भी कर सकते हैं आप, तो ये भी अच्छी बात है। और इसको एडजस्ट कर सकते हैं जितना पर आपको मान लीजिए रखना है, तो आप इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं, ये देख सकते हैं। तो मैं लगा के दिखा देता हूँ। और इसमें साउंड क्वालिटी की बात करूँ तो इसमें 50mm का ड्राइवर्स मिलता है जो कि काफ़ी अच्छा साउंड आपको देखने को मिलता है। और मैंने यूज़ किया था कुछ दिन तो मुझे इसका साउंड काफ़ी अच्छा लगा, ठीक ठाक लगा। और बैटरी बैकअप का बात करूँ तो इसमें आपको चार्जिंग टाइम 2.5 घंटे का है, जिसके बाद प्लेबैक टाइम आपको कम से कम आपको 20 घंटा मिल जाता है और स्टैंड बाय 250 घंटे का स्टैंड बाय टाइम मिलता है। और साउंड तो काफ़ी अच्छा है और कम्फर्टेबल भी है, आप कहीं भी जिम में जा सकते हैं या जॉगिंग करने के लिए भी जाइए तो आप लगा के जा सकते हैं इजीली, कोई भी ज़्यादा देर लगाने पर कोई भी आपको चुभेगा नहीं। यहाँ पर देख सकते हैं रबर का दिया हुआ है, इसको ज़्यादा देर यूज़ करने के लिए इसमें ईयर कप्स दिया गया है जिससे आपको कान में चुभेगा नहीं। और ये फोम का है और काफ़ी सॉफ्ट है। और इसमें वारंटी की बात करूँ तो 1 साल का वारंटी मिलता है। और बैटरी बैकअप तो आप इसमें नॉन स्टॉप गाना, मैं लगभग 3-4 दिन से गाना सुन रहा हूँ बट अभी भी 70% इसका बैटरी चार्जिंग टाइम बचा हुआ है, तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे प्रोडक्ट। ऑस्कर नहीं करना तो आप इस तरह से गर्दन में भी लगा के रख सकते हैं, तो ये भी काफ़ी अच्छा है। और साउंड क्वालिटी काफ़ी अच्छा, बिल्ड क्वालिटी भी काफ़ी अच्छा बोट की तरफ से दिया गया। और यहाँ कनेक्ट करने के लिए सिंपली आपको ये पावर बटन टिपना है, उसके बाद यहाँ पर LED लाइट जल जाएगा और फ़ोन से कनेक्ट हो जाएगा, उसके बाद इजीली कनेक्ट हो जाता है। और कॉल क्वालिटी भी आप अच्छे से ले सकते हैं और इसमें 10 मीटर का डिस्टेंस तक आपका ये काम करता है ब्लूटूथ ईयरफोन्स हेडफोन्स। और देख सकते हैं यहाँ पर बोट का ब्रांडिंग दिया हुआ है, सो आप देख सकते हैं, मैं यहाँ रख के दिखाता हूँ, देख सकते हैं। और ये मेड इन इंडिया है, कलर भी काफी अच्छा लग रहा है। और हैं
यहाँ पर यूएसबी केबल दिया हुआ है, जो कि आप कोई भी चार्जर से, आप नॉर्मल या फास्ट चार्जर से आप चार्ज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर यूएसबी पोर्ट दिया हुआ है। और यहाँ पे आपको कुछ नहीं, और यहाँ पे देख सकते हैं हेडफोन जैक के लिए। विदाउट ब्लूटूथ यूज़ करना चाहते हैं तो डायरेक्टली आपको इसमें लगा देना है, और ये फ़ोन के 3.5 mm जैक में जाएगा, और डायरेक्ट विदाउट ब्लूटूथ भी यूज़ कर सकते हैं, तो ये भी अच्छी बात मुझे देखने को मिली। इसको कनेक्ट करने के लिए आप एंड्रॉयड या iOS दोनों डिवाइस आप आराम से इजीली कनेक्ट कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं आता है। तो आप ज़रूर से कमेंट, लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब टू माई चैनल टेक्निकल संजीव।